और गाइस ये है वो रोशन दी कुल्फी जो कि करोल बाग की सबसे फेमस है। भाई सेल लगी हुई है, टाइम पर गिलास 10 रुपए का। सुन नहीं रहा है। हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में एक नई एनर्जी और एक नए जोश के साथ। तो गाइस आज यार एक तो काम है, मुझे जाना है करोल बाग। और मेरा भांजा है यार, उसका कई दिन से फोन आ रहा है, मैं जा नहीं पा रहा था, तो आज मैंने स्पेशल टाइम निकाला है। तो अभी चलते यार करोल बाग, उसका गेम है वो ठीक करवा के लाते हैं। तो लेट्स गो गाइस। सो गाइस अभी जा ही रहा था, आदू कर रहा है पढ़ाई। क्या पढ़ रहा है भाई? पढ़ नहीं रहा। क्या कर रहा है? ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। सो गाइस ये हमारी प्यारी सी मुनिया एज यूजुअल, जिससे हमेशा मिलते हैं। बाय बाय। तो लेट्स गो गाइस, गाड़ी कर दिए स्टार्ट, चलते हैं करोल बाग। वाह यार राइम भी बन गया ना, गाड़ी कर दिए स्टार्ट, चलते हैं करोल बाग। तो गाइस दिल्ली जाने से पहले अपनी सीएनजी फुल करवाते हैं। अगर ये नहीं समझ में आता है स्टॉप का क्यों लगाते हैं, जो भी है भाई कुछ गवर्नमेंट के रूल्स हो गए। गाइस मीटर हो गया चालू। तो गाइस सीएनजी हो गया फुल, अब चलते हैं भाई। इतना सीएनजी के तो गाइस कहां जाया जाएगा। एक तो दिल्ली का जाम इतने होते हैं भाई, टंकी खाली होती है सीएनजी की भी। एक गाइस ये आप देख रहे हो, दिल्ली में सरकारी काम जो सबसे स्पीड से होता है वो ये है। तो भाई पार्किंग में जब लगाते हैं सबसे पहले स्कूटी उठा के ले जाते हैं, और इतनी स्पीड से करते हैं ये काम, बाकी कोई काम हो ना हो लेकिन ये बड़ी स्पीड से करते हैं। अब जाएंगे कहीं पे ना खड़े कर देंगे यार, और वहां पे देखो पैसे हट लेंगे उनसे, पूरी लोड कर रखी है गाड़ी। तो गाइस एंट्री कर लिया हमने गफ्फार की तरफ, और रोड के दोनों तरफ है पार्किंग। यार सबसे बड़ी समस्या ना यार पार्किंग की रहती है। अभी देखते हैं भाई कहां मिलती है पार्किंग हमें। तो गाइस यहां से पार्किंग चालू हो जाती है और वह आगे तक पार्किंग ही है। सो गाइस ये हमारा प्ले स्टेशन, जिसको दिखाने इतने दूर आना पड़ा है, क्योंकि रोहिणी की तरफ कहीं भी प्ले स्टेशन ठीक करने वाला नहीं है, इसलिए यार हमें इतने दूर आना पड़ा है। गाइस इस तरीके से आपको पर्ची मिल जाएगी यहाँ, भाई चाबी इनको देके जानी पड़ती है। सो गाइस ये है यहाँ पार्किंग, गाड़ी कर दी हमने खड़ी, गाड़ी यार बिल्कुल रोड के बीच में है, ये रोड और यहाँ गाड़ी खड़ी है। तो लेट्स गो गाइस, आ गए टाइम निकाल के यार करोल बाग, क्योंकि कराना था प्ले स्टेशन ठीक, अब चलते हैं गाइस। तो गाइस हो जाती है मार्केट शुरू, और इस तरीके से आपको काउंटर मिलेंगे रिपेयरिंग कराने के लिए। अगर आपको अपने फोन वगैरह रिपेयर कराने तो ऐसे छोटे छोटे काउंटर आपको फुटपाथ पे देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप स्क्रीन फोल्डर कुछ भी चेंज करवा सकते हो। और गाइस ये है मेन रोड मार्केट का, यहाँ से होती है मार्केट शुरू। गाइस टेम्पर का प्राइस देखो कितना है, 6 रुपए 75 पैसे। और भाई भीड़ तो पूछो मत, भीड़ का तो बड़ा बुरा। सो गाइस दोनों तरफ अभी जो देख रहे हो ये है पूरी गफ्फार मार्केट। सो गाइस चलते अभी वहाँ जहाँ मैं हमेशा अपना प्ले स्टेशन ठीक करवाता हूँ कोई भी काम होता है। और गाइस ये है वो शॉप बेसमेंट में जहाँ मैं करवाता हूँ ठीक। पीयूष भाई ये चेक करो एक बार ना। सो गाइस ये भाई अपने पीयूष भाई, जिनसे मैं हमेशा करवाता हूँ। तो अभी भाई सेटअप कर रहे हैं, तो मैं आता हूँ 20-25 मिनट में आता हूँ, ठीक है। तो गाइस अभी लगेगा इसमें टाइम, तो चलते हैं। इतने भाई के फार मार्केट का थोड़ा दौरा सा करके आ जाते हैं, क्या क्या है यार अभी आए हैं तो थोड़ा घूम के भी आते हैं अंदर। इतने हमारे इसमें टाइम लगेगा 15-20 मिनट। सो लेट्स गो। तो गाइस चलो थोड़ा दौरा करते हैं फार मार्केट का। और गाइस ऐसा नहीं है कि मोबाइल की मार्केट है, आपको कपड़े वगैरह भी मिल जाएगा यहाँ पे। सो कॉपी तो गाइस किसी भी चीज की मिल जाएगी आपको यहाँ, इलेक्ट्रॉनिक हो या कपड़े हो जूते हो, हर चीज की कॉपी मिल जाएगी आपको। और गाइस एक एंट्री इधर से है, लेकिन हमने दूसरी तरफ से एंट्री करी थी गफ्फार मार्केट बी अपर मंडल। गाइस इस तरीके छोटी छोटी स्टॉल्स मिल जाएगी आपको कपड़ों की और मैट वगैरह, मतलब ज्यादातर सामान आपको मिल जाएगा यार। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट है, काफी कुछ मिल जाएगा आपको, छोटी छोटी स्टॉल है अलग अलग सामान की। सो गाइस गफ्फार आए है और रोशनी कुल्फी ना खाए तो क्या फायदा। 10 रुपए क्या चीज टेम्पर गिलास 10 रुपए भाई सेल लगी हुई है, टेम्पर गिलास 10 रुपए का। और गाइस ये है वो रोशन दी कुल्फी जो कि करोल बाग की सबसे फेमस है। सो गाइस आए हैं तो भाई ट्राई भी करनी चाहिए। तो गाइस कुल्फी के साथ आप यहाँ काफी कुछ खाने का भी ले सकते हो। और गाइस ये है वो रोशन दी कुल्फी, ये वैरायटीज आपको यहाँ मिल जाएगी सारी, शुगर फ्री भी मिल जाएगी आपको। तो गाइस ठंड बहुत है यार, क्यों गला खराब करना, क्योंकि फैब है यार ठंड बहुत ज्यादा है। तो कुल्फी तो मैं ट्राई करने वाला नहीं, कुछ अलग ट्राई करते क्या है इसके बाद। सो गाइस वेज कबाब ट्राई करते हैं यार थोड़े। तो भाई ये क्या है, वेज कबाब? वेज कबाब आ गया। सो गाइस ये जीरा पनीर मैंने करवाया कुछ पैक, जीरा पनीर भी टेस्ट करेगा यार कैसा है। तो गाइस जीरा पनीर भी लिया यार, वो घर के लिए लिया है तो घर लेके जाएगा उसको, लेकिन यहाँ के लिए वेज सीख कबाब टेस्ट करते हैं। भाई स्लिप ले लिया भाई, एक वेज सीख कबाब कर दियो, थैंक यू। तो गाइस ये हमारा मसाला पनीर, और गाइस ये रेडी हो रहे हैं हमारे दाल कबाब, वेज सीख कबाब भी बोल सकते हो तैयार। वैसे है प्रॉपर किस चीज के, दाल के? सारी दाल मिक्स होती है, सारी दाल मिक्स है। दाल कबाब ये तो गाइस हर चीज आपको देखने को मिल जाएगी, मिल्टन की बोतल होगी उस तरीके से, कई सारे ब्रांड है मिल्टन से लेके और लोकल तक की। तो गाइस ये आ गए अपने कबाब, सो अभी टेस्ट करके बताते हैं यार कैसे है। अल्टीमेट है यार, मैंने फर्स्ट टाइम खाया दाल कबाब, भाई मेरे को तो बड़े मस्त लगे। सो गाइस अभी खाते हैं दाल कबाब, मिलते हैं आपसे। तो गाइस ये दाल कबाब लगाते हैं हरी चटनी, थोड़े से प्याज। भाई ये फेमस कुल्फी के नाम से है, लेकिन काफी वैरायटीज है यार। सो गाइस कबाब हो गया हमारे ओवर, और ये है मार्केट पूरी। तो अभी चलते हैं मार्केट में, देखते हैं यार और कुछ पसंद आता है तो। और गाइस ये लगी है कोई सेल, जिसमें कि किसी भी एप्पल के फोन का 10 रुपए का टेम्पर है, ओनली 10 रुपए। इतना सस्ता तो भाई कहीं नहीं मिलेगा। और गाइस इस तरीके से आपको स्टॉल्स मिल जाएगी छोटी छोटी बेल्ट की, और ये वॉच की यार, बच्चों की वॉच, हर चीज मिल जाएगी आपको यहाँ पे। तो गाइस फ्रिज के कवर, टेबल के कवर, हर चीज मिल जाएगी, ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स ही मिलेगा आपको, तो सारी वैरायटीज देखने को मिल जाएगी। तो गाइस ये तो किया हमने पसंद फ्रिज के लिए, और वैरायटीज तो खूब देखने को मिल जाएगी यार आपको।
इसको। ये कैसे है, वाटर प्रूफ टाइप है क्या? और वो कपड़े में है जो एंटी स्लिपरी हो, थोड़ा वो दिखाओ जो स्लिप ना हो। और ये वॉशेबल है कैसे या किस रेंज में है ये? 450। और ये वाला फ्रिज का जो हमने पसंद किया वो 150। सो भाई वैरायटी तो बहुत ज्यादा है, अपने लोकल मार्केट से कंपेयर करूं तो यहाँ वैरायटीज बहुत ज्यादा है। सो गाइस एक ये पसंद किया हमने और एक ये वाला, तो गाइस ये ले लिया हमने। यार एक चीज और बताऊंगा इस मार्केट की, आप बार्गेनिंग खूब दबा के कर सकते हो। मेरे को 700 के अराउंड टोटल बोल रहा था, लास्ट में 350 दे के आया। तो गाइस ले लिया सामान, अब चलते हैं अपना प्ले स्टेशन ठीक कराने, जो मेन काम के लिए हम आए थे यार वो कराते हैं। तो ये काउंटर तो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, ये वो मशीन है जिसपे स्क्रीन वगैरह चेंज करते हैं। तो स्क्रीन तो ऐसे चेंज करते हैं जैसे मंडी में सब्जी बेचते हैं। और गाइस ये है किशन भटूरे वाला, ये भी बहुत फेमस है, लेकिन खाने का टाइम नहीं अभी हमारे पास, तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं आया हूं। ये वैरायटीज आपको मिल जाएगी यहां पे। तो गाइस ये देखने में बहुत छोटे से स्टॉल है, लेकिन भीड़ इतनी रहती है यहां पे छोले भटूरे और छोले चावल को लेके कि पूछो मत। और गाइस ये हो रहे हैं हमारे कंट्रोलर चेक। और पीयूष भाई यकीन नहीं मान रहे, मेरे भांजे 3 महीने हो गए इसको रखे रखे। सो यू कभी चेक करवा रहा हूँ, सिर्फ तेरे लिए स्पेशली आया हूँ मैं करोल बाग ये चेक करवाने के लिए। तो गाइस जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोलर में स्पेस का इशू है बस। तो चेक हो गया अपने कंट्रोलर, ओके हो गया, अब चलते हैं यहाँ से। तो गाइस वीआर बिल्कुल ओके है, कैसा लग रहा है सर खेल के? बहुत अच्छा, बिल्कुल ओके चल रहा है ना। तो गाइस ये देखो स्क्रीन में मूव हो रहा है ना, जैसे जैसे ये मूव कर रहे हैं ऐसे ऐसे ये मूव हो रहा है। कैसी फील आ रही है इसमें? बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हम गिर जाएंगे नीचे अगर आगे हुए तो। यही तो फील है वीआर की। सो गाइस यही तो वीआर की फील है, इसीलिए तो वीआर लेते हैं। गिर जाऊंगा? अरे तुम्हें थोड़ी कूदना है, उसको प्लेयर को कूदाना है। अरे प्लेयर को भी कैसे कूदाऊंगा? अरे कोई बटन वटन दबाओ, बटन दबाओ, कूद जाओ, एक बार जंप मारो, जंप मारना। अरे नहीं कुछ क्या कर सकता यार? क्या हुआ, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे सच में डर लगता है। अपने दिमाग को बिठा लो ना कि नकली है। अरे नकली नहीं, इमेजिन नहीं कर सकते नकली है। बॉस को एक आदमी को मार रहे हैं ना नीचे, तो वहाँ जाना होगा कूद के। सो गाइस बहुत डर लगता है यार खेलना। पाजी कैसा लगता है? बहुत डर लगता है भाई। चलो गाइस तो वीआर हो गया अपना चेक, पाजी का एक्सपीरियंस भी देख लिया। चलो ठीक है पीयूष भाई। चलो गाइस हो गया अपना सारा सामान पैक, अब निकलते हैं यहाँ से, हो गया ठीक। चलो गाइस चलते हैं भाई, शाम हो चुकी है। पार्किंग देख रहे हो यार कितनी कंजेस्टेड है, बाइक ही बाइक दिख रही होगी यार। और गाइस ये देख रहे हो आप मोबाइल के कवर कैसे पड़े हैं, जैसे सब्जी मंडी होती है ऐसे मोबाइल की सब्जी मंडी है। ये सारे कवर गिरे हुए, ये देखो ये इतनी रबड़ तो यार उसमें लगती है स्क्रीन चेंज करने में। तो गाइस देख लो यार रोज ही कितनी स्क्रीन चेंज होती होगी, जो इतनी तो रबड़ बिक रही है सिर्फ। देखना यार स्क्रीन कैसे गिरी हुई है फोनों की, जो स्क्रीन हम 3-4 हजार की लाते हैं ऐसे ही गिरी हुई है। और गाइस जंक फूड की तो भरमार है यहाँ पे, हर जगह जंक फूड है, बहुत ज्यादा यार जंक फूड तो इतना मिलेगा आपको देखने को यार बहुत ज्यादा। सो भाई चलते हैं पार्किंग में, गाड़ी उठाते हैं अपनी। ये देख रहे हो पार्किंग यार, रोड एक गाड़ी जितना छुटा हुआ और पार्किंग देखो डबल डबल है। और गाइस मिल गई अपनी धन्नो, तो धन्नो के पास आ गए यार सामान अपना रखते हैं। बोलो भाई, और चाबी तो बहुत टांग रखी है ना यार, 50 रुपीज जी। यहाँ की पार्किंग में ही फोन पे हो जाता है यूज, तो अगर आपको पार्किंग पे करनी है तो फोन पे से आप कर सकते हो। पहले भी तेरे पास कर रखी है हमने कई बार, अब डिस्काउंट देने लग जा तू। आप दो को ना सर, मैं थोड़ी दूंगा। भाई पुराने कस्टमर हो गए, इसी के बाद लगाते हैं हर बार हम। अपना काम हो गया करोल बाग के मार्केट देखिए आपने यार, और आप अच्छी खासी बार्गेनिंग कर सकते हो यार, कितने 50% तक बार्गेनिंग, कमाल है। हम गए मेन मेन जगह पे फार मार्केट में, 2-3 पॉइंट ही है यार, कुछ ज्यादा है नहीं खास, बाकी तो छोटी छोटी स्टॉल है जंक फूड की स्टॉल्स वगैरह। तो लेट्स गो गाइस, अभी चलते हैं यहाँ से, देखते हैं रास्ते में कुछ खाने पीने का अच्छा मिलेगा तो वहाँ जरूर रुकेंगे। और हाँ गाइस सीट बेल्ट जरूर लगा लो, क्योंकि गफ्फार से निकलते ही आपको मिलेंगे दिल्ली पुलिस वाले, और ट्रैफिक पुलिस वाले हर जगह खड़े हैं, तो बेल्ट जरूर लगा ले पार्किंग से ही। और ये देखो यार यू टर्न भी इतना नैरो है ना यहाँ पे, यहाँ से यू टर्न लेना जगह है नहीं, और एक बाइक रुकने वाला तो है नहीं, यू टर्न आराम से ले ले, इतना छोटा यूटर्न है यार, छोटी गाड़ी को भी पैक करना पड़ता है। तो लेट्स गो बाय बाय बोलते गफ्फार को, चलते यार अशोक विहार, देखते अगर केज वाला कुछ खुला हुआ कुछ बढ़िया खाने का वहाँ चलते हैं। तो गाइस अभी हम जाएंगे अशोक विहार होते हुए, तो देखते यार अशोक विहार कुछ अच्छा सा मिलता है तो खाने का कोई स्पेशल। सो गाइस ये देखो दिल्ली का जाम यार, बस वाला घुसाया जा रहा है, ये नहीं बस किसी के लग जाए या कुछ, जाम ही तो बहुत टाइम वेस्ट कर देता है, वरना आने जाने में तो 2 घंटे भी लगते हैं। 15 मिनट तो यार मुझे जाम में फंसे हुए होगी, मैं कहा यार जाम रिकॉर्ड करूँ ना करूँ, पर मैं कहा यार फंसे हुए तो जाम ही देख लो। ये पॉइंट देख रहे हो ये होती है भाई, अब उसको थोड़ी सी लगती इसकी दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस फाइनली हम आ गए दीप मार्केट में, और दीप मार्केट का जो फेमस है यार वो है ये रेस्टोरेंट। सो गाइस ये है दीप मार्केट पूरी, अभी यार इसी से पैक करवाते हैं खाना, यार घर पे ही जाए खाएंगे। तो तवा रोटी यार मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो खाना घर पे ही खाऊंगा, लेकिन पैक करवा लेते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी दे दिया मैंने ऑर्डर, खाना हो रहा है अपना पैक, लेके चलते हैं फिर घर। ये यहाँ का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है, अभी मैं जहाँ पे हूँ ये इनका यार स्टॉल, क्या बाहर खड़े हुए खा सकते हो, इस तरीके से आप यहाँ बाहर खड़े हुए खा सकते हो, और लेकिन वो जो आप देख रहे हो वो है इनका रेस्टोरेंट, वहाँ सीटिंग एरिया है सब कुछ है। और गाइस इसी के साथ में आपको मिल जाएगा रोल किंग, हर तरीके के रोल आपको बढ़िया मिल जाएगा यार, मैंने टेस्ट नहीं किया लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है। सो गाइस ऑर्डर हो गया अपना पैक, अब चलते हैं यार घर की तरफ। ये अपनी गाड़ी छोटी सी प्यारी सी, तो गाइस बैठ गया गाड़ी में, तो लेट्स गो गाइस चलते हैं अब घर। सो गाइस फाइनली आ गया हूँ मैं घर पे, और भाई दिल्ली का जाम यार थका देता है। पापा लेके आए आप लोगों के लिए मसाला पनीर, तो सबसे पहले मैं खिलाता हूँ मसाला पनीर। रोहन खाएगा मसाला पनीर? ये देख तू खाएगी, लो चल छोड़ यार, देख दो छीन के भागी। और गाइस दुआ को रखा है फीवर, कैसे मेरा बेटा, दे मेरे को मैं खिलाता हूँ सबको, मम्मा खिलाएगी। ये थोड़ा मसाले वाला पनीर, पापा करोल बाग गए थे ना, ला थोड़ा सा खा के देख कैसा है। अरे बड़ा मस्त है, कैसा लगा? थोड़ा खाया भी है तूने? अच्छे से खा,
ये खा, खा ले सारा। अच्छा वाह, खाया है नहीं? अच्छा है रूहानू, बैठ। अच्छा ले ले, पूरा ले ले ले। और गाइस ये खा रही है अभी पनीर। आपको कैसा लगा पनीर? ला पापा खिलाते हैं, ले पापा खिलाते हैं। मिर्च नहीं है इसमें, इधर से खा, इधर से नहीं खा लेगी, ले खा के देख। ये कैसा है? क्या कह रहे रूहानू? मैंने क्या बोला पप्पी लाऊंगा आपके लिए? आप फूड बोल रहे थे। मैंने तो बोला ही नहीं। तो गाइस जब इसकी डिमांड आ गई है पप्पी की, क्योंकि इसने देखा था टाइगर वहाँ पे, वो बड़े वाला। अब मैंने कब बोला वीडियो में बेटा? मैंने बोला ही नहीं। मैंने बोला था मैंने बोला था कि ना रूहानी पापा पप्पी लेने गए, सो जाए, जब सो के उठेगा ना तो पप्पी मिलेगा। अरे भगवान। अच्छा तो इसने बोला सुलाने के लिए, और बात आ गई मेरे पे। चलो तो थोड़ा पनीर भी खिलाते हैं यार गुड्डू को। इसमें जीरा लहसुन वगैरह सब है ना, मसाला है इसमें, इसलिए पापा खाते हैं। बढ़िया। किसने बनाई थी? कैसे उड़ेगी? ऐसे उड़ेगी। सो गाइस देख लिया यार, रूहानी की मस्ती तो भाई हमेशा ऑन रहती है। और गाइस पनीर सबको टेस्ट करा दिया है मैंने। और गाइस अभी बैग से निकालते हैं हम, ये हमारा खाना जो पैक करवाया था। ये क्या कर रहा है तू? शकरकंदी खा रहा है, खा लो। और गाइस ये मैं लेके आया था, और अभी देखते हैं यार कैसा लगा। गुड्डू ये लेके आया, देखते हैं फ्रिज का ये बदल दे ऊपर का कवर। ठीक है, और एक ये टेबल के लिए कवर। ये ना मैं सोच रही थी होली के बाद चेंज करें। अभी गैस करते हैं भाई रेट, अभी ये गैस करेगी भाई, क्योंकि यार इनको हमसे ज्यादा पता ना रेट राट का, मार्केट में ये जाते रहते हैं। चलो भाई प्राइस गैस कर दिया ना, तेरे को बढ़िया गिफ्ट दूंगा। अच्छा दोनों का सिंगल सिंगल? सिंगल सिंगल। 100 रुपए? अरे यार 250-300 रुपए। फिर भी सही बता। अब यार जीतने के लिए मत बोल यार, जीतने के लिए बोल रही है कैसे भी करके ना, कम से कम बताइए एक सही बता जो तेरे को। कितना? 400 से 450। एक बार ही बता जो तेरे को सही लगे। 400 से 450। ठीक है, और वो ये 150 से 200, 150 से 200। और मैं दोनों के बताऊँ सही प्राइस? 350 में दोनों है। अच्छा हाँ, तो कैसे ठीक है? जितना सस्ता उतना अच्छा। चलो गाइस तो हम भी सीख गए बार्गेनिंग भाई, शादी के बाद इनके साथ घूम घूम के ना हम भी सीख जाते हैं खरीदने चीजों को। चीजें ठीक लगी ना? सो गाइस बीवी खुश मैं खुश, अब इनको पसंद आया तो भाई मैं चीज लेके आया, वरना 350 की हो चाहे 3500 की हो 3.5 लाख की हो भाई वेस्ट हो जाते, क्योंकि बीवी को पसंद नहीं आया। आप समझ सकते हो भाई, जितने भी हस्बैंड है वे सारे इस बात को समझ सकते हैं ना, तो बीवी खुश पति खुश। सो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, अभी खाना खाते हैं यार जो पैक करा के लाए थे। पैक करा के लाए थे सब्जी? किस लिए लाए हो मिशु? मैंने दाल बना रखी है। फिर से कलेश हो गया यार, चलो छोड़ो भाई सब्जी। नहीं ना मुझे बताओ तो सही यार, कम से कम ना तो फोन करके बताते कि मैं खाना बाहर से लेकर आ रहा हूँ, खाना भी। अरे यार वहाँ गए थे अशोक यार मार्केट में तो पैक करवा के लिया है यार, कोई बात नहीं भाई, रोटी तो घर की खानी थी ना यार, रोटी तो घर की खानी थी। अच्छा अच्छा चलो ठीक है यार, ये मतलब ये देखिए सारे जीरो कर दिया ना एक सेकंड में, ये गलत बात है। तो मुझे लगता है भाई आप कितने कुछ ले आओ। हाँ क्या करेगा पप्पी लेके आऊँ? हाँ अभी है बेटा, फिर रेस्ट कर ले तो आराम से। ठीक है सो गाइस अब यहाँ पे करता हूँ मैं इस ब्लॉग को एंड। हाँ सो गाइस इस व्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड, भाई देखा दो दो गिफ्ट भी दे दिए। चुप तुम सारे चुप रहो, इस व्लॉग को एंड करने दो मुझे, इस व्लॉग को यार तुम लोग निकलने दोगे भाई, वहाँ पे तुम्हारी मम्मी और यहाँ पे तुम दोनों। हाँ तो मुझे व्लॉग एंड करने दो। सो गाइस कर बोल तो तू कर ले, ले ले तू कर ले। अरे आ गए यहाँ पे, अच्छा ये था पंगा, ये भी था वो भी था कि आप लेकर ही क्यों आए। सो गाइस आज का दिन ऐसा है कि चांद, पोलर स्टार जिसको ध्रुव तारा बोलते हैं, वीनस जो अपना ग्रह है, ये तीनों तो ये तीनों एक लाइन में दिख रहे थे यार, जैसे ही मैं आया ना घर पे, तो घर पे आते आते मैं देख रहा हूँ सिर्फ पोलर स्टार दिख रहा है और चांद दिख रहा है, तो एक लाइन में जो तीनों थे यार उसकी सीरीज टूट गई है, तो अभी ध्रुव को मैं पोलर स्टार दिखा के आता हूँ अगर दिखता है तो। सो गाइस ध्रुव तारा इतना अच्छा दिख रहा है कि बिल्कुल चांद की एक लाइन में सीरीज में आ रखे, और ध्रुव देखो क्या बोल रहा है, ऐसा हो सकता है ध्रुव तारा ध्रुव ना देखे। अरे वाह ध्रुव क्या लाइन मारी है तूने, हाई फाई। सो गाइस फीवर है मेरे बेटा को, फिर भी इसको ध्रुव तारा में दिखा के लाता हूँ क्योंकि यार बहुत ही साफ दिख रहा है। तू इसको लेके चल गोदी में और मैं इसको लेके चलता हूँ। हाँ बेटा चश्मा पहन के चल क्योंकि वो दूर का है चश्मा, उससे साफ दिखेगा। हाँ तू पैक हो गया है भाई, क्योंकि छत पे जाके दिखेगा है ना, और ये हो गया पैक। गोदी मैं लेता हूँ, गोदी ले तू, चश्मा लगा पहले। तू तो ऐसे चौधरी लग रहा है, चौधरी साहब कैसे हो? देखो ये चद्दर किसकी है? तो गाइस तो इसको लेते हम गोदी में।
ऊपर अंधेरा है, लाइट कहाँ से जलेगी? पहले मेरे जूते ढंग से पहनाओ। तू छोड़ जूते। लो भाई लाइट जलेगी ना। और ध्रुव तो पोलर स्टार भी गया। और देखो दिख रहा है हल्का हल्का ध्रुव। और गाइस देखो ये जो दिख रहा है ये पोलर स्टार है और ये है चांद। मैं भी आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा इस वीडियो में, लेकिन सच में ये जो आप देख रहे हो छोटा सा, ये पोलर स्टार और ये चांद। चलो मैं कुछ नहीं दिखाया ना तेरे को। पता है ध्रुव क्या था? हर 15 मिनट में ना स्टार छुपता जा रहा है, मतलब ढलता जा रहा है वो। सो गाइस जिस टाइम मैं आ रहा था उस टाइम तो साफ दिख रहे थे, लेकिन अभी इनको दिखाने के लिए ले गया तो कुछ नहीं दिखाया। फेस नहीं दिख रहा था वीनस, साफ नहीं दिख रहा था बेटा, वो स्टार की तरह ही दिख रहा था। हाँ बस न्यूज में जैसे बताते हैं ना, तो एक सीरीज एक लाइन में आ रखे थे वो ऐसे डायगोनली। भाई आज हमें दिखा नहीं यार, क्योंकि मैंने देखा वो तीनों सीरीज में थे, इतने अपने बाइनोक्यूलर निकालता और जहाँ से चांद देखता वो कुछ, इतने ही टाइम में वो डाउन हो चुके थे यार, छुप गए वो, क्योंकि आधा पौना घंटा होता है यार, क्योंकि ये सीरीज जो होती है कभी कभी देखने को मिलती है। सो गाइस ये देखो इसने कपड़ा फेंक दिया और नए वाला जो हम लेके आए वो बिछा रही है। अरे उल्टा मत बिछा, सीधा बिछा ऐसे। चलो मैं हेल्प करता हूँ तेरी, वहां पे ले जाओ इसको, उड़ा दो इसको। अरे वाह रूहानू बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस जो टेबल कवर में लेके आया था वो रूहानू ने बिछा दिया यार, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना रूहानू, कैसा लग रहा है? अरे ऑन तो कर, उसमें सेल है, ये चार्ज नहीं है अभी, ठीक है इसको चार्ज कर दे, गुस्सा क्यों दिखा रहे थे उस पे। जो टेबल कवर लेके आए थे वो रूहानू ने बिछा दिया है। सो गुड नाइट, टेक केयर, हैव स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आने वाले व्लॉग और भी इंटरेस्टिंग होने वाले। सो गुड नाइट।